हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग की जो MRS अकाउंटेंट वैकेंसी आई है एक लवे मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की, तो उसकी प्रिपरेशन मैं आप लोग को करा रही थी। उसकी क्लासेस जो चल रही थी, तो आज की क्लास जो होगी हमारी वो होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो वित्तीय प्रबंध की। इसमें हम लोग ये सीखते हैं कि किस तरह से या कैसे एक कंपनी जो होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से फाइनेंशियली वो डील करती है अपनी संस्था को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने काम को, कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को गेन कर सके। तो आज की वीडियो में आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इससे पहले भी मैंने इसका वीडियोज अपलोड करी हुई है, जिसकी एक अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें आपकी अलग अलग ट्रांजेक्शन है, अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, की प्रिपरेशन मैं करा रही थी आप लोग को। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिति प्रदान करने वाला वित्तीय विवरण है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल पोजिशन इज बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो जो वित्तीय स्थिति प्रदान करने वाला, एक कंपनी में बहुत से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जर्नल बनाते हैं हम, लेजर बनाते हैं, मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं, PNL बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके बाद हम फंड फ्लो स्टेटमेंट है, रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो है, बजटन है, बहुत सी चीजें आती हैं जो उसमें आगे हम करते हैं अपने बिजनेस में। एक चीज तो हम ये पता करने के लिए कि करेंट में स्टेटस क्या है हमारे बिजनेस का, क्या फाइनेंशियल स्थिति है हमारे बिजनेस की, और उसके बाद ये देखने के लिए कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या वेरियंसेस आए हैं, कहाँ कहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि और ज्यादा हम प्रॉफिट को बढ़ा सके और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ हम काम कर सकें। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो वित्तीय स्थिति प्रदान करने के, यानी कि एक करेक्ट सिचुएशन बताता है आपके बिजनेस की, वो कौन सा स्टेटमेंट होता है? आर्थिक चिट्ठा होता है, आय विवरण होगा, रोकड़ प्रवाह विवरण, या फिर कोष प्रवाह विवरण। तो जो आपका रोकड़ प्रवाह विवरण होता है वो सिर्फ ये बताता है कि कैश का कहाँ कहाँ यूज किया गया है और कहाँ कहाँ से कैश आई है, कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो को बताता है। जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें आपकी अलग अलग तरह की इन्वेस्टिंग होती है, एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो जाती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाती है, और साथ ही जो कोष प्रवाह विवरण होता है वहाँ पर हम वर्किंग कैपिटल को लिए ज्यादा देखते हैं कि क्या वर्किंग कैपिटल हमारी आई है, क्या चेंजेस आए हैं, कहाँ से हमको फंड्स मिले हैं, कहाँ कहाँ फंड्स का हमने यूज किया। लेकिन जो करेक्ट स्थिति को बताएगा वो हो जाता है हमारा आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट एक तरह से आपकी एक समरी पूरी होती है जितने भी अकाउंट्स आपने बनाए होते हैं उसकी। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा, जो आपके बिजनेस की सही फाइनेंशियल स्टेटस को बताएगा, वो हो जाता है बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी कंपनी की पूरी संरचना का हिस्सा है? Which of the following options is a part of the capital structure of a company? Short term borrowings, accounts payable, equity share, none of the above. तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो किसी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है उससे जुड़ा है या उसका एक हिस्सा होता है। तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, ऐसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जिसमें आपकी इक्विटी आ जाती है, आपकी जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं वो आती हैं। तो यहाँ पर जो आपकी शॉर्ट टर्म दे रखी है या फिर जो आपके अकाउंट्स पेएबल हैं वो इसका हिस्सा नहीं होंगे। जो इक्विटी शेयर्स हैं, समता अंश है, वो इसका हिस्सा होंगे। इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जो आपके डिबेंचर होते हैं, जो लॉन्ग टर्म लोन्स आप लेते हैं, वो सब इसमें आते हैं। तो यहाँ पर एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कौन सा कारक किसी फर्म की पूंजी संरचना को निर्धारित करने में सहायता करता है? विच ऑफ द अबव फैक्टर्स हेल्प्स टू डिटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म, गवर्नमेंट पॉलिसीज, डिग्री ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि इसमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं किसी फर्म का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको निर्धारित करने में, उसको ये डिसाइड करने में कि कितनी हमारी इक्विटी शेयर्स रहेगी, कितना हम जो डिबेंचर्स लेंगे, कितने हम लॉन्ग टर्म लोन्स लेंगे, उसको डिसाइड करने में हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर सरकार की नीतियाँ होंगी या फिर जो नियंत्रण है उसको, कि किस लेवल तक, किस डिग्री तक हमें कंट्रोल करना है। पूंजी की लागत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो यहाँ पर ये तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं। इन तीनों को ही ध्यान में रखा जाता है जब हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं। ये तीनों ही फैक्टर इफेक्ट डालते हैं जो आपकी कंपनी के स्ट्रक्चर होगा कैपिटल का उसके ऊपर, कि गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर है, लोन से रिलेटेड है, कि कितने परसेंट पे लोन मिलना है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना डिसाइड करना पड़ता है। जो नियंत्रण है, कंट्रोल भी इम्पोर्टेंट है,
और साथ ही जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि जिस तरह का स्ट्रक्चर आप रखना चाह रहे हैं उसकी कैपिटल की कॉस्ट कितनी आ रही है, क्योंकि उस पूंजी की भी अपनी लागत होती है जिसको निकाला जाता है। आगे जो वीडियोस आएंगी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहेंगे और साथ ही काफी इम्पोर्टेंट भी है, तो उसको मैं इंक्लूड करूंगी। तो यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है, तो पूंजी की लागत की अगर बात करें तो इक्विटी शेयर की भी होती है, जो रिटेन अर्निंग होती है उसकी भी निकाली जाती है, डिबेंचर्स की भी निकाली जाती है, उसमें भी आपकी दो तरह की रहती है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, जो शोधनीय होते हैं और जो अशोधनीय होते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की भी निकाली जाती है, पूंजी की लागत सबकी अलग अलग होती है। यहाँ पर जो है तीनों ही फैक्टर इफेक्ट डालते हैं एक कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने में। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन में अंशधारकों की संपत्ति का प्रतिनिधित्व निम्न द्वारा किया जाता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन द शेयर होल्डर्स वेल्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय द सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, द मार्केट प्राइस ऑफ योर शेयर्स, द बुक वैल्यू ऑफ योर फर्म्स एसेट, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां पर शेयर होल्डर्स फंड है या उनकी जो वेल्थ है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, किस चीज का प्रतिनिधित्व करती है। कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता है, या फिर किसी अंश का जो बाजार मूल्य है उनके, या फिर फर्म की संपत्ति का पुस्तक मूल्य। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि जो अंशधारकों की संपत्ति है, शेयर होल्डर्स वेल्थ होती है, क्योंकि आपको पता ही है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसका जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें ये रहता है कि इस तरह से काम किया जाए कि शेयर होल्डर्स वेल्थ को बढ़ाया जा सके, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ होता है इसका ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी कि मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर, कि जो अंशधारकों की संपत्ति होती है उसका प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है, कि जब जो उसके अंश का क्या बाजार मूल्य है, क्या मार्केट प्राइस है। एक तो आपकी नॉमिनल वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है, मार्केट प्राइस होता है, एक अंश का मूल्य कई तरह का होता है। तो यहाँ पर जो मार्केट प्राइस है वो डिसाइड करता है कि अंशधारकों की वेल्थ क्या है, क्योंकि अगर ज्यादा अच्छे अंश का बाजार मूल्य ज्यादा होगा तो वहां पर ये चीज रहती है कि जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन, उसकी गुडविल भी अच्छी है, मार्केट में उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विपणन योग्य प्रतिभूतियों का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, लॉन्ग टर्म इक्विटी सिक्योरिटीज, लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म इक्विटी सिक्योरिटीज। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि विपणन योग्य प्रतिभूतियों का एग्जाम्पल क्या होगा। यहाँ पर मार्केटेबल सिक्योरिटीज की बात की जा रही है। आपको पता है कि एसेट होती हैं तो कुछ आपकी करेंट एसेट होती हैं, कुछ फिक्स्ड एसेट होती हैं। तो यहाँ पर जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं वो करेंट एसेट मानी जाती हैं, अल्पकालीन होती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो शॉर्ट टर्म होते हैं अल्पकाल के लिए लिए जाते हैं वही हो जाती है आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पूंजी का स्रोत है। ऑन द फॉलोइंग सोर्स ऑफ कैपिटल इज इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, ऑल द अबव। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, किसमें से पूंजी का स्रोत कौन सा है। तो तीनों ही पूंजी के स्रोत होते हैं, कैपिटल के स्ट्रक्चर में शामिल किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपको, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इक्विटी शेयर्स होते हैं उसका डिविडेंड पहले से डिसाइड नहीं होता है, जितना प्रॉफिट मिलता है उसी के अकॉर्डिंग जो साधारण सभा होती है, जो एनुअल मीटिंग्स होती हैं उसमें जो डिविडेंड होगा वो निर्धारित किया जाता है। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसमें भी डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन कितना डिविडेंड देना है इसकी दर, इसकी रेट पहले से ही निश्चित होती है, पहले से ही डिसाइड होती है, फिक्स्ड रेट होता है। और साथ ही जो डिबेंचर्स होते हैं उनकी भी रेट पहले से प्रीफिक्स होती है कि कितना हमको देना है उनको इंटरेस्ट जो होगा वो। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। इसीलिए जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनी का स्वामी या उनको कंपनी का ओनर कहा जाता है। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कंपनी का स्वामी कौन होता है, ओनर कौन होता है। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वही होते हैं। क्यों ओनर कहे जाते हैं, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको सबसे बाद में डिविडेंड दिया जाता है। पहले जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर होते हैं उनका इंटरेस्ट दे दिया जाता है, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका डिविडेंड दे दिया जाता है, वो क्योंकि पहले से डिसाइडेड होती है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से उनको दिया जाता है। तो जितना भी ज्यादातर समझ लीजिए जोखिम जो रिस्क होता है वो सब किसके उसमें जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स में। और साथ ये भी होता है कि अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उनको ज्यादा डिविडेंड भी मिल जाता है, इस वजह से वो ओनर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनियोक्ता के दृष्टिकोण से पूंजी लागत है। फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज यील्ड ऑफ कैपिटल सैक्रिफाइस, मार्केट वैल्यू, इंटरेस्ट रेट, नॉन ऑफ।
तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो विनियोक्ता होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने पैसे को लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मनी को, तो उनके दृष्टिकोण में, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू में एक कैपिटल जो है उसकी कॉस्ट क्या होती है, कि जो पूंजी है उसकी त्याग का प्रतिफल, क्योंकि वो आपको अपने मनी है, अपनी सेविंग्स को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उनको उसका सेक्रीफाइस करने के लिए जो रिटर्न दिया जाता है, या फिर जो बाजार मूल्य है यानी कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसकी मार्केट की जो वैल्यू होगी, या फिर इंटरेस्ट रेट होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। एक विनियोक्ता जो होता है उसके लिए जो पूंजी की लागत होगी वो हो जाती है जो त्याग कर रहा होता है, जो सेक्रीफाइस कर रहा होता है उसका रिटर्न होती है, उसका प्रतिफल होती है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इष्टतम पूंजी संरचना को कैसे बनाए रखा जा सकता है, हाउ कैन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बी मेंटेन, इंक्रीज इन द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द फर्म, अ गुड रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू, अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस तरह की पूंजी संरचना या कहें इस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाए रखना कि जो सबसे बेस्ट हो या फिर जो ऑप्टिमल हो, तो यहाँ पर उसे किस तरह से बना सकते हैं, कैसे बनाकर हम रख सकते हैं कि एक बार तो हमने बना लिया, मेंटेन कर लिया, लेकिन उसे आगे के लिए भी मेंटेन रखना, फर्म की क्रेडिट रेटिंग में वृद्धि करके, एक राजस्व का, एक रेवेन्यू का एक अच्छा रिकॉर्ड बना करके, या फिर जो लाभांश नीति है उसको स्टेबल रखकर, स्थिर रख करके, यानी कि बहुत अप डाउन ना हो, जो हमने लाभांश निर्धारित किया है वो उसी दर से हम देते रहें, कम ज़्यादा ना होने पाए, अधिक हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कम ना होने पाए, क्योंकि उससे कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, उसे कैसे बनाए रखा जा सकता है, इन तीनों को ही ध्यान में रखना होता है हमको, किसी फर्म की जो रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग है वो इंक्रीज हो, साथ ही उसका रेवेन्यू का रिकॉर्ड भी अच्छा हो कि अच्छा लाभ वो कमा रही, उसकी इनकम अच्छी हो रही है, और उसकी डिविडेंड पॉलिसी भी स्टेबल है, स्थिर है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक तरह से कह सकते हैं कि ये फैक्टर्स भी हैं, ये कारक भी हैं जो प्रभाव भी डालते हैं एक अच्छी कैपिटल संरचना होने के लिए, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी में पूंजी संरचना का उल्लेख किया गया है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज मेंटेन इन द कंपनीज अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट। यहाँ वो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कंपनी है उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो हमें किससे पता चलता है, व्यापारिक खाते से, लाभानी खाते से, आर्थिक चिट्ठे से, या फिर लाभानी नियोजन खाते से। तो जो एक कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो जो मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर भी हम कैपिटल रिलेटेड कुछ नहीं दिखाते हैं, मेमोरेंडम अकाउंट में तो आपके वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं, परचेजेस हो जाता है, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक होता है, ये सारी चीजें आती हैं, उससे क्या निकल के आता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। जो लाभानी खाता होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, पीएनएल जिसे बोलते हैं, उसमें क्या रहता है, किसी प्रोडक्ट को या जो भी कंपनी का काम हो रहा है उसमें जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो उसके अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, वो सारे इसमें दिखाए जाते हैं, और इससे क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल करके आता है। जो लाभानी नियोजन खाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट भी आवश्यकता अनुसार बनाया जाता है। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है, आर्थिक चिट्ठा होता है, अगर हम उसकी बात करें, एक साइड आपका लायबिलिटी हो जाता है, दूसरी साइड एसेट हो जाता है। लायबिलिटी साइड में क्या रहेगा, लायबिलिटी साइड में हम उसकी कैपिटल को दिखाते हैं कि कैपिटल कितनी है, ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, इशूड कितनी है, कितने इक्विटी शेयर्स हैं, कितनी आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। उसके बाद हम दिखाते हैं कितना रिजर्व है हमारा, रिटेन अर्निंग कितनी है, हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स जो होते हैं, डिबेंचर्स जो होते हैं, ये सारी चीज़ें हम दिखाते हैं। और जो एसेट साइड है वहाँ पर हम दिखाते हैं कि कंपनी की एसेट्स कितनी है, करेंट एसेट कितनी है, फिक्स्ड एसेट कितनी है, गुडविल कितनी है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स कितने, ये सारी चीज़ें हम दिखाते हैं एसेट साइड में। तो कंपनी के अगर कैपिटल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो क्योंकि आपका किससे मिलकर के बनता है, जो आपकी इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो या फिर डिबेंचर्स हो या फिर जो लॉन्ग टर्म लोन्स लेती है कंपनी, उससे बनता है, वो सब किसमें दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में ही दिखाया जाता है। तो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है उसकी बैलेंस शीट देखकर हमको पता चल सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालिक निवेश निर्णय को कहा जाता है, अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड एज, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग डिसीजन। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है यानी कि जो वित्तीय प्रबंध होता है उसमें बहुत से डिसीजन लिए जाते हैं, बहुत से निर्णय लेने होते हैं। तो यही आपके कई तरह के निर्णय दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं या क्या कहे जाते हैं। तो इस तरह के डिसीजन हो जाते हैं पूंजीगत बजट निर्णय यानी कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन। हम ये देख रहे हैं
तो यहाँ पर क्योंकि लॉन्ग टर्म से रिलेटेड बात हो रही है, तो एक आपका आयगत होता है, एक पूंजीगत होता है। जो भी हमारा लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हो जाता है वो हो जाएगा पूंजीगत में आता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आएगा वो हो जाएगा वो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होते हैं, कि कैपिटल बस्टिंग हम कर रहे हैं, हम पूंजीगत बजट बना रहे हैं कि किस तरह का बजट होगा, उससे संबंधित हमारे जो निर्णय होते हैं वो आ जाएंगे। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर हम कैपिटल बजटिंग की बात करें कि कैपिटल बजटिंग या पूंजीगत बजटन होता क्या है, तो जो पूंजीगत व्यय होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको करने के लिए जो बजट बनाया जाता है उसी की प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी कैपिटल बजटिंग या फिर पूंजीगत बजटन कहलाता है। जो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जिन भी चीज़ों को हम करते हैं, कौन सी चीज़ें हो जाती हैं जिसका कैपिटल एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, तो जो स्थायी संपत्तियां एसेट्स होती हैं उनको परचेज करने के लिए, या फिर उनमें किसी तरह की वृद्धि करने के लिए, उनको इंक्रीज करने के लिए, उनका विस्तार करने के लिए, उनमें इम्प्रूवमेंट या फिर सुधार करने के लिए, या किसी तरह के कोई चेंजेस या परिवर्तन करने के लिए, या फिर उनको दोबारा से रिप्लेस किया जा रहा हो, उन्हें पुनः स्थापित किया जा रहा हो तब, या फिर उनका शोध और विकास, रिसर्च या डेवलपमेंट पर जो एक्सपेंसेस आते हैं वो सारे आपके पूंजीगत व्ययों में शामिल हो जाएंगे। और उनसे रिलेटेड जो बजट बनाया जाता है वो पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, कैपिटल बजटिंग कहलाती है, पूंजीगत बजटन कहलाती है। आपको समझ में आ गया होगा कि पूंजीगत बजटन क्या होता है। तो जहां पर भी पूंजीगत व्यय से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आएगा और कैपिटल बजटिंग दे रखा होगा, तो वहां पर आप आसानी से उसे समझ पाएंगे कि कैसे उसमें आपको आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है जिस पर निवेश निर्णय लेने से पहले विचार किया जाना चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर्ड बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले किस फैक्टर पर हमें ध्यान देना चाहिए, या क्या फैक्टर इम्पोर्टेंट होता है इसका निर्णय लेने के लिए, किस तरह का निर्णय, जब हम निवेश कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं वहाँ पर। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, रोटेशन कॉस्ट, स्टेबिलिटी अर्निंग, रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर किस फैक्टर का ध्यान में रखना चाहिए कि विकास के वहाँ पर कितने अवसर हैं, जिस क्षेत्र में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहाँ पर कितना फ्यूचर क्या है उसका, कहाँ कितना जो है विकसित हो सकता है, क्या विकास हो सकता है। आप भी कोई काम करते हैं, कहीं पर भी कुछ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, पैसे लगा रहे होते हैं, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर इन्वेस्ट करके हमें फ्यूचर में प्रॉफिट क्या मिल सकता है, फ्यूचर में उस चीज़ में क्या अप्स एंड डाउन्स आएंगे, क्या उसकी सिचुएशंस रहेंगी, या जो लोग शेयर्स खरीदते हैं, जो लोग जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि फ्यूचर में क्या सिचुएशंस रहेंगी, उसी के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं। तो वहाँ पर यह आ जाएगा कि विकास के क्या अवसर है, रोटेशन लागत है, स्टेबिलिटी है कि उसमें आय जो हमें इनकम हो रही है उसमें कितनी स्थिरता है, यानी कि स्थिरता का मतलब ये होता है फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं, कि बहुत कम हुई या बहुत ज़्यादा हुई जा रही। प्रतिफल की दर यानी रेट ऑफ रिटर्न की, कितना जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उसमें वापस हमें रेट ऑफ रिटर्न कितना उसकी मिलेगा, कितना हमको प्रतिफल मिल रहा है। अभी आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था कि जो हम त्याग कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसका हमको रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर कौन सा कारक जो होगा इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब निवेश निर्णय लेंगे, वो हो जाता है रेट ऑफ रिटर्न, प्रतिफल, कितना हमको प्रतिफल मिल रहा है, हमारी प्रतिफल की दर क्या है, उसी पर डिपेंड करता है कि हम उसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इससे संबंधित है कि फर्म के वित्त को विभिन्न परिसंपत्तियों में कैसे निवेश किया जाता है। दिस चॉइस हैज टू डू विद हाउ द फर्म्स फाइनेंस आर इन्वेस्टेड इन वेरियस एसेट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, नन ऑफ दी। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फर्म के वित्त को यानी कि कंपनी में जो हम फाइनेंस को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो किस लिए करते हैं, इसीलिए तो करते हैं कि उसकी जो कंपनी की एसेट्स है उसमें हम इन्वेस्ट कर सकें, लगा सकें। अब वो आपकी फिक्स भी होती हैं और करेंट भी होती हैं, किस तरह की एसेट में हम किस तरह से इन्वेस्ट करें इससे रिलेटेड जो निर्णय लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, नन ऑफ दी। इस तरह के जो निर्णय होते हैं वो कहलाते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, निवेश निर्णय। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर जो निर्णयों की बात हम कर रहे हैं, डिसीजन से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें क्या रहता है कि जो वित्त कार्य होते हैं, फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं, उसमें निर्णय लेना, डिसीजन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो जो डिसीजन लिए जाते हैं वो मेनली तीन टाइप के होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरे हो जाते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, और तीसरे हो जाते हैं डिविडेंड डिसीजन। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि तीनों डिसीजन हो जाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो हो जाता है उसमें आपके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड डिसीजन होते हैं, जो पूंजीगत व्यय हैं उससे रिलेटेड जो निर्णय लिए जाते हैं वो शामिल होंगे।
और साथ ही वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट में, यानी कि जो करंट एसेट्स होती हैं उनके मैनेजमेंट पे, कि किस तरह से बिजनेस को रन करने के लिए जो आपके छोटे मोटे खर्चे होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, जैसे स्टॉक को लेना है, रॉ मटेरियल को लेना है, या जो बिजनेस में लगातार जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं जो कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप के होते हैं, रेवेन्यू नेचर के होते हैं, उन सबको करने के लिए जो आपकी आवश्यकता होती है उससे रिलेटेड जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और जो डिविडेंड डिसीजन होते हैं कि लाभांश किस तरह से लिया जाएगा या कितना घोषित किया जाना है, वो आ जाएगा इसमें। और तीसरा हो जाएगा फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग में रहेगा कि दो तरह का रहता है आपके फाइनेंस की आवश्यकता जो होगी, एक तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं और दूसरा हो जाता है शॉर्ट टर्म सोर्सेज। लॉन्ग टर्म में आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाएगा और शॉर्ट टर्म में आ जाता है वही वर्किंग कैपिटल आपका फाइनेंसिंग जो होता है। तो इतने तरह के डिसीजन होते हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से उसके आंसर निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे संपत्ति का आकार, लाभप्रदता और प्रतिस्पर्धात्मकता सभी प्रभावित होते हैं। एसेट साइज, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश वर्किंग कैपिटल डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। जब कह रहा है कि कौन सा या किस तरह का निर्णय डिसीजन होते हैं जिससे कि जो एसेट है उसका साइज है, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी जो है उसकी कितना लाभ होगा, और साथ ही प्रतिस्पर्धा कंपटीशन, क्योंकि कंपटीटिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी संस्था की, अगर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं आज के टाइम में तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कोई भी फील्ड ले लीजिए, किसी भी फील्ड में एक तरह के कितने प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, तो वहाँ पर ब्रांड की भी प्रतिस्पर्धा होती है, मूल्य में, प्राइस में भी होती है, बहुत तरीके से होती है। अगर आप देखिए एक ही जैसे प्रोडक्ट होते हैं, अगर एक पर कुछ ऑफ होता है तो दूसरे पर भी आपको ऑफ मिलेगा। हर पैकेट पर आपको न्यू लिखा रहता है, भले ही इसमें कुछ न्यू ना हो लेकिन आप अगर ध्यान दीजिएगा तो न्यू इम्प्रूव्ड सब पे लिखा रहता है। तो आज के टाइम में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो किस तरह के निर्णयों से प्रभावित होती है वो सब चीज़ें, वो हो जाते हैं पूंजीगत बजट निर्णय, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कि फ्यूचर में हम क्या कितना करेंगे, कितना हमारे पास बजट है, कितने हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और हमारी बिजनेस का आकार कितना होगा, कंपटीशन कितना ज़्यादा होगा और कितना हमारा प्रॉफिट रहेगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निर्णय विभिन्न दीर्घकालिक स्रोतों से जुटाई जाने वाली धनराशि से संबंधित है। दिस डिसीजन कंसर्न द अमाउंट ऑफ मनी टू बी रेज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि जो वेरियस टाइप के या विभिन्न प्रकार के जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं हमें कैपिटल को कलेक्ट करने के, पूंजी को एकत्रित करने के, तो वो जो निर्णय लिया जाएगा वो किस बेसिस पे लिया जाता है या वो निर्णय कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, वो हो जाते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं, वित्त संबंधित निर्णय होते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। क्योंकि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है मैंने पहले ही बताया उसमें जो डिसीजन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं लेना, कि सही टाइम पर सही डिसीजन होता है वो एक संस्था को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को राइट डायरेक्शन में मोड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जो प्रबंधन को मात्रा और समय दोनों के संदर्भ में कोष आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने की अनुमति देती है। नेम द प्रोसीडर दैट अलाउज मैनेजमेंट टू फोरकास्ट फंड रिक्वायरमेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड टाइमिंग। यानी कि मात्रा और समय दोनों की बात यहाँ पर हो रही है, उसके लिए या उसके संदर्भ में, उसके रेफरेंस में जो मैनेजमेंट होता है हमारा, कि हमें कितनी कोष की आवश्यकता होगी उसका पूर्वानुमान लगाना, पहले से उसकी फॉरकास्टिंग करना, वो कौन सा डिसीजन हो जाता है, किस डिसीजन में उसको शामिल किया जाएगा, वो हो जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन। हम वित्तीय नियोजन जो करते हैं एक फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि जो प्लानिंग होगी जहाँ पर भी प्रबंध की बात आए, मैनेजमेंट की बात आए, वहाँ समझ लीजिए प्लानिंग उसके साथ साथ चलता है, क्योंकि जो प्लानिंग होता है वो मैनेजमेंट का मेन काम होता है। जितना अच्छी उसकी प्लानिंग होगी उतना ही अच्छा उसका आगे का सारा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, उसका सारा काम चलेगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी फर्म की या संस्था की ग्रोथ हो पाएगी और उतने अच्छे ढंग से काम हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा या क्या कहलाता है, वो हो जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर में हमें कितने कोष की, कितने फंड्स की आवश्यकता होगी, मात्रा में भी, क्वांटिटी में भी और टाइम के अकॉर्डिंग भी, कि समय समय पर हमें कितना धनराशि, कितनी अमाउंट चाहिए होगा। क्योंकि फिक्स एसेट जो होती है तो उसमें तो हम एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल होती है, कार्यशील पूंजी होती है, उसकी समय समय पर आवश्यकता रहती है। क्योंकि आपका जैसे कि स्टॉक टर्नओवर होता है, आगे इसमें मैं बताऊंगी आप लोगों के सब रेशियोज होते हैं, जैसे जैसे आगे वीडियोज आएंगी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे आपके, तो उसमें मैं बताती चलूंगी।
वहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल होती है वो उसकी बहुत आवश्यकता होती है एक बिजनेस को रन करने के लिए, तो यहाँ पर सारे चीज़ों से रिलेटेड निर्णय लेने पड़ते हैं, तो वो हो जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है, एक फाइनेंशियल प्लानिंग बनाई जाती है, वित्तीय नियोजन किया जाता है। इसका एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नया है सब्सक्राइब नहीं किया है इसी तरह की और वीडियोस फिर सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।